अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर वाफियत के साथ होंगे। तो जी आज मैं कोई रेसिपी आपके साथ नहीं लेके आई हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी एक बहुत बड़ी खुशी को शेयर करने वाली हूँ और वो खुशी क्या है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। तो इसके लिए आपको हमारी वीडियो को फुल वॉच करना होगा। तो ये देखिए मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया, खड़े गरम मसाले सारे मैंने इसमें डाल दिए। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन। और ये मेरे पास है इमली और आलू बुखारा, इसको हम डालेंगे। साथ ही हम इसमें चिकन डाल देंगे। 1 kg मेरे पास चिकन है। साथ ही मैं इसमें ये टमाटर डालूंगी। ये देखिए जी, ये तकरीबन 5-6 टमाटर मैंने काटे हुए थे वो इसमें डाल दूंगी। अब हम इसमें आलू डाल देते हैं। ये नमक डाल दूंगी मैं, इसमें लाल मिर्च डाल दूंगी इसमें, क्योंकि हम स्पाइसी खाते हैं इसलिए आप अपने हिसाब से डालिएगा। और ये एक मेरे पास बिरयानी मसाला है नेशनल का, वो डाल दूंगी इसमें ज़रा टेस्ट के लिए। ये देखें जी सालन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। 1 किलो चावल है और 1 किलो ही हमारा चिकन है, तो उसके हिसाब से हमने ये 4 गिलास पानी डालना है या उससे थोड़ा सा ऊपर। मैं अंदाजे से डालती हूँ, आप अपने हिसाब से जिसे आपको अच्छा लगता है ना आप वैसे डालें। तो मैं तो अंदाजे से ही डाल देती हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह देखें ये है मेरी बिरयानी की फाइनल लुक। तो जी मैं अब किचन का काम ख़त्म करके अपने रूम में आ गई हूँ। तो अब मैं आपके साथ वो सरप्राइज़ भी शेयर करूँगी कि जिसका ज़िक्र मैंने आपसे किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस पाक महीने में, रमज़ान के महीने में मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। और अल्लाह पाक का मैं लाख शुक्र अदा करती हूँ और आप सब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिनके सपोर्ट से मैं इस मकाम पे पहुँची हूँ। तो जी मैं ज़्यादा इसको सस्पेंस में नहीं रखते हुए मैं आपसे शेयर करूँगी कि मुझे ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी एडसन पिन आ गई है, जो कि हर यूट्यूबर का ख्वाब होती है। तो अल्लाह पाक ने मेरा ख्वाब भी ये पूरा किया है। तो मैं आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप मेरी फैमिली हो, आप मेरी सेकंड फैमिली हो, मैं आपको अपने बहन भाई समझती हूँ। और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज मैं इस मकाम पे पहुँची हूँ और अपनी फैमिली की सपोर्ट की वजह से, मैं अपनी अम्मी की दुआओं की वजह से जो कि मेरे लिए बहुत दुआएं करती थी, और अपनी फैमिली जो कि मेरी फैमिली बहुत मुझे सपोर्ट किया है, ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने और मेरे बेटे ने माशाल्लाह, जो कि मेरा कैमरामैन भी है, और इन्होंने मेरे साथ, मेरे बेटे ने माशाल्लाह बहुत हेल्प की है कि जिसकी वजह से मैं आज इस मकाम पे हूँ। और उसके बाद जरी सर का बहुत शुक्रिया, मुंबई सिस्टर और पीएफसी बाजी, इन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की, मेरी नहीं बल्कि सब बहनों की बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पूरे ग्रुप की बहुत माशाल्लाह मुंबई सिस्टर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो अल्लाह पाक इनको भी कामयाबियाँ अता करे, अल्लाह पाक इनको सेहत तंदरुस्ती लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और पीएफसी सिस्टर भी अल्लाह पाक उनको भी सेहत और तंदरुस्ती और कामयाबियाँ अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। जरी सर का भी बहुत बहुत थैंक्स अदा करती हूँ और उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ तहे दिल से कि अल्लाह पाक उनको भी कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता करे। और मेरी एक, मैं लाजमन आज मैं अपनी बहनों का भी जिक्र करूँगी। तो डे 1 से जो मेरी सिस्टर मेरे साथ थी, जो कि जब मैंने स्टार्ट किया चैनल, तो मैं उनका आज जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझूँगी। उसका नाम है जीनो होम, उनका भी चैनल है। तो जीनो होम ने मेरे साथ बहुत ही यानी मुझे सपोर्ट किया, जबकि मैं उस वक़्त कुछ भी जानती नहीं थी यूट्यूब के चैनल के मामलात में। उन्होंने मुझे गाय बगाए मुझे सपोर्ट की, मुझे रहनुमाई मेरी की। तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनको भी कामयाबियाँ अता करे। अगर वो सिस्टर मेरी वीडियो देख रही हैं तो सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये मौके की तलाश में थी कि काश के अल्लाह पाक मुझे वो मौका ला दे कि जिसमें मैं आपका ज़िक्र करूं, क्योंकि मैं जब मेरे 100 के हुए थे मैं तब भी वीडियो नहीं बना सकी, और जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं उस वक़्त भी अपनी वीडियो नहीं बना सकी। तो अल्लाह पाक ने मुझे ये कामयाबी दी है, ये सब की कामयाबी है। और मुझे अब जो है ना वो ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सब की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ये मेरा जो था ना पड़ाव, ये मैं पार कर चुकी हूँ, और जो मेरा नेक्स्ट पड़ाव है ना मैं अब उसके लिए, वो मेरा टारगेट है। तो वो टारगेट आप लोगों ने मेरे साथ मिलके पूरा करना है। मेहनत मेरी होगी, सपोर्ट आपकी होनी चाहिए। तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर किया करें, कमेंट्स प्यारे प्यारे किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो मुझे ज़्यादा तो नहीं कुछ इस बारे में कहना आता, लेकिन आप मेरी फीलिंग समझ सकते हैं कि मेरी फीलिंग अंदर से खुशी कैसी है। तो आज की वीडियो को मैं एंड करूंगी और उम्मीद करूंगी कि आइंदा भी आप मेरी सपोर्ट करते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।